आज हम ज़ैच बेल के कुछ सबसे इमोशनल और दिल तोड़ने वाले मोमेंट्स पर नजर डालेंगे। जहां ज़ैच बेल अपने एपिक बैटल्स और हार्ट टचिंग दोस्तियों के लिए जाना जाता है, वहीं इसमें कई ऐसे दर्द भरे पल भी हैं जो हमारे हार्ट स्ट्रिंग्स को खींचते हैं। इस वीडियो में हम एनिमे के टॉप 10 सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमोडो डेथ्स को गिनेंगे, वो मोमेंट्स जो हमारे आंखों में आंसू छोड़ गए। तो टिश्यू पेपर अपने साथ रखें और तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए, क्योंकि हम इन इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स और उनके ट्रेजिक फेयरवेल्स को याद करेंगे। मेन काउंटडाउन शुरू करने से पहले ऑनरेबल मेंशंस पामून, रिया, आर्थ, रोबरुगा, मैजरू और वो सभी एंशंट मोमोडोस जिन्होंने बिना उनकी मर्जी के ज़ोफिस के लड़ना पड़ रहा था। अपोलो और रोब्स का बॉन्ड सच्ची दोस्ती का सबूत था और उनका फेयरवेल बेहद हार्ट रेंचिंग था। अपोलो का सपना था कि वह रोब्स के साथ एक एस्ट्रोनॉट बने, जो उनकी डीप कनेक्शन को दर्शाता है। जब रोब्स की बुक जल जाती है तो अपोलो के आंसू और उसके चेहरे पर दिखने वाला गम यह जाहिर करता है कि वह अपने पार्टनर से कितना प्यार करता था। यह एक ऐसा मोमेंट है जो लॉस्ट ड्रीम्स और हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल का एक्सपीरियंस कराता है, जो ऑडियंस के दिलों में गहराई से उतरता है। अपोलो और रोब्स के बॉन्ड ने उनके फेयरवेल को सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक बना लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, उनकी गहरी दोस्ती और एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ने हम सभी की आंखों पर आंसू छोड़ दिया। योपोपोई की चेयरफुल पर्सनालिटी और क्वर्की नेचर ने उसकी डेथ को और भी ज्यादा हार्ट रेंचिंग बना दिया। वो किंग की लड़ाई में कोई मेजर प्लेयर नहीं था, लेकिन उसकी लाइवली स्पिरिट ने उसके आसपास के लोगों को खुशी दी। जब उसकी बुक जल जाती है और उसकी आंखों से लाइट खत्म होती है, तो यह एक रिमाइंडर है कि मोमोडो बैटल सबसे इनोसेंट कैरेक्टर्स को भी छीन लेता है। योपोपोई की डेथ ने फैंस को इसलिए ज्यादा झकझोर दिया क्योंकि इसकी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल वेट थी। योपोपोई की मासूमियत ने उसकी डेथ को एक सच्ची ट्रेजेडी जैसा महसूस कराया। भले ही वो कुछ हद तक कॉमेडिक रिलीफ था, उसकी जर्नी का अंत मोमोडो बैटल के हार्शर साइड को दिखाता है, जिसने फैंस को स्टंड छोड़ दिया। गुड बाय योपोपो। अपना ख्याल रखना योपोपो। निया और शायन की फ्रेंडशिप सीरीज में सबसे प्योर थी और उनकी कहानी प्यार और लॉयल्टी की थी। शायन की ब्लाइंडनेस ने उसे निया के साथ एक गहरी कनेक्शन बनाने से कभी नहीं रोका और निया हमेशा शायन को सपोर्ट करता था। उनका ट्रेजिक एंड जब शायन को एहसास होता है कि निया जा चुका है, एक डीपली इमोशनल मोमेंट था। शायन को रोते हुए देखना, ये जानते हुए कि वो अपने प्यारे दोस्त को फिर कभी नहीं देख पाएगी, फैंस के लिए कभी ना भूलने वाला पल है। निया और शायन का रिश्ता बेहद हार्ट वार्मिंग था और उनकी कहानी प्यार और भरोसे की थी। जब उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया गया, वो पल फैंस के दिलों में हमेशा रहेगा, क्योंकि ये उनके खूबसूरत बॉन्ड का अंत था। ये अंत है। मेरा सितारा, I love you। रेन की कहानी ड्यूटी और ऑनर की है और उसकी मॉस के पार्टनर के ऊपर उसकी कमिटमेंट को दिखाती है। रेन की आखिरी लड़ाई इंटेंस थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द जिसमें उसने अपने पार्टनर की मदद किया, इस चीज ने उसकी मौत को और भी पेनफुल बना दिया। उसकी पासिंग की सीरियसनेस और अंत तक दिखाए गए लॉयल्टी ने उसकी डेथ को सीरीज की सबसे इमोशनल मौतों में से एक बना दिया। रेन के फाइनल मोमेंट्स ने हम सभी को डेवेस्टेटेड कर दिया, क्योंकि उसकी क्वाइट स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का अंत हो गया। उसकी कंपटीशन से एग्जिट बहुत अनफेयर लगी और इसी वजह से उसकी डेथ को एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल हो गया। डैनी का सैक्रिफाइस सीरीज के सबसे अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। उसकी गूफी पर्सनालिटी और दोस्तों के लिए उसका प्यार उसे इंस्टेंटली लाइकेबल बना देता था, जिससे उसके आखिरी मोमेंट्स और भी ट्रेजिक लगते थे। डैनी का अपने पार्टनर की मोस्ट वैल्यूएबल को खतरे से बचाने का फैसला, यह जानते हुए कि उसकी जान जाएगी, एक पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस था। उसके आखिरी शब्द जिसमें उसने अपने पार्टनर के साथ बिताए समय के लिए शुक्रिया किया, ने फैंस को टीयर्स में छोड़ दिया। उसकी डेथ ने सभी को डीपली हिट किया क्योंकि उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया, लीविंग अस ऑल हार्ट ब्रोकन बाय हिज सेल्फलेसनेस। कोलुलु की कहानी ज़ैच बेल की शुरुआती हार्ट ब्रेक्स में से एक है। एक ममोडो के रूप में जो लड़ाई से नफरत करती थी, उसकी जेंटल नेचर ने उसकी डेथ को और भी ट्रेजिक बना दिया। कोलुलु की सिर्फ एक ही विश थी, एक पीसफुल लाइफ जीने की, जहां उसे किंग बनने की वायलेंट बैटल से दूर रखा जाए। उसके फाइनल मोमेंट्स, जब वो जाच और कियो से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी सफरिंग को खत्म कर दें और उसकी बुक जला दें, वो पल बेहद गट रेंचिंग था। यह डेथ सीरीज की पहली बड़ी लॉसेस में से एक थी, जो आगे आने वाली इमोशनल जर्नी का साइन थी। कोलुलु का ट्रेजिक बैक स्टोरी उसे सीरीज की सबसे सिंपथेटिक कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। उसकी डेथ सिर्फ एक कंपेटिटर की हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ममोडो का दुखद अंत था जिसने कभी लड़ाई नहीं चाही थी। मैं जहां भी जाऊंगी तुम पर नजर रखूंगी, क्योंकि है ना।
सही कहा, खोलू लू। पेनी की जैच के ऊपर ऑब्सेशन ने उसकी कहानी को ट्रेजिक और बिटर स्वीट बना दिया। बायोंको, उसका लॉयल फ्रेंड, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। जब पेनी की जैच पर फीलिंग्स उन्हें डेंजरस टेरिटोरी में ले गईं, तब भी बायोंको ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उनके आखिरी पालों में दोनों ने अपने बॉन्ड की कीमत को समझा और पेनी ने बायोंको को पर अपनी सच्ची दोस्ती को माना। उनकी सिमल्टेनियस डेथ डेवेस्टेटिंग थी, जैसे वो एक साथ फेड हो गए, जिससे फैंस अपने डायनामिक ड्यूओ के खोने पर हार्ट ब्रोकन हो गए। पेनी का के लिए प्यार और बायोंको की लॉयल्टी ने उनकी डेथ्स को बेहद पेनफुल बना दिया। ये दोनों मोमोडोज जो रिडेम्पशन की तलाश में थे, कि एग्जिट ने सीरीज में एक जीरो छोड़ दिया, रिमाइंडिंग अस ऑफ द मोमोडो बैटल्स के टोल को। वॉन्ड्री और लायन की लव स्टोरी ने उसकी डेथ को सीरीज में सबसे इमोशनल बना दिया। उनका बॉन्ड कई पार्टनर्स से मजबूत था और उनकी पार्टनरशिप में पावर और टेंडरनेस दोनों शामिल थी। वॉन्ड्री का लियन को बचाने के लिए सैक्रिफाइस उसके गहरे जज्बातों को दिखाती है। जब उसकी किताब जलती है और वो लियन को अलविदा कहता है, तो उनका टेयरफुल फेयरवेल हर्ज़ाच बेल फैन के दिल को छू जाता है। वॉन्ड्री की डेथ सिर्फ लियन के लिए एक शोक नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए थी जो उसकी मदद कर रहे थे। उसकी ऑनर और लियन पर उसकी कमिटमेंट ने उसके सैक्रिफाइस को ज़ाच बेल में सबसे इमोशनल पल बना दिया और उसने एक सच्चे हीरो के तौर पे अपनी जगह पक्की कर ली। लायला की कहानी सीरीज में सबसे ट्रेजिक है। ज़ोफिस से कंट्रोल होने के वजह से उसे अपनी विल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसके दिल में शांति की चाह थी। उसकी डेथ तब होती है जब वो अपनी आजादी हासिल कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। लायला का अपने साथी एल्बर्ट के साथ टियरफुल गुड बाय, जहां वह एक शांति से जीने की इच्छा करती है, ये पल दर्द और दुख से भरा होता है। ये एक हार्ट ब्रेकिंग पल है जो लंबे समय तक असर डालता है। लायला की डेथ ज़ाच की टीम के लिए बेहद मुश्किल बना देता है, जिससे हम फैंस को भी झिंझोड़ के रख दिया। लैला, लैला, एवरीबॉडी। काइडो की डेथ सीरीज में सबसे ट्रेजिक है, न सिर्फ इस वजह से कि वो कितना लवेबल था, बल्कि इस वजह से कि वो डॉक्टर रिडल्स के साथ जो रिश्ता साझा करता था। कीडो की लॉयल्टी और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की डिटर्मिनेशन जिनकी वह परवाह करता था, उसकी आखिरी पलों को और भी मुश्किल बना देती है। बिना ये जाने कि वो कभी किंग नहीं बनेगा, ग्रेटर गुड के लिए उसका सैक्रिफाइस इस दृश्य को असलियत में हार्ट ब्रेकिंग बना देता है। कीडो की डेथ ज़ाच बेल में सबसे हार्ट ब्रेकिंग पल बनी हुई है। डॉक्टर रिडल्स पर उसकी लॉयल्टी, उसकी हिम्मत और उसका आखिरी सैक्रिफाइस उसकी डेथ को पूरे सीरीज में सबसे इम्पैक्टफुल पल बनाते हैं। ये एक ऐसा दृश्य था जो फैंस के आंखों को आंसू ओसे भर देता है, जब कीडो ने उन लोगों के लिए सब कुछ दे दिया जिनकी वो परवाह करता था। एक और बात, डॉक्टर रिडल्स, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बेकार, बस बेकार रुका। गुडबाय डॉक्टर रिडल्स। तो ये थे ज़ाच बेल फैंस के कुछ ऐसे ममोडो डेथ या उनका गुडबाय जो हम सभी को रुला गए। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि ममोडो और उनके ह्यूमन पार्टनर्स के बीच के रिश्ता कितना मजबूत था। इन सभी कैरेक्टर्स ने किंग बनने के लिए लड़ाई की, लेकिन उन्होंने हमें फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के वैल्यू सिखा दिया। अगर आप इन फॉलन ममोडोज के लिए एक आंसू बहा चुके हैं या कोई और पल आपके दिल को छू गया है, तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और ज़ाच बेल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें, और ज़ाच बेल के भाई के बारे में जाने के लिए राइट वाली वीडियो को देखें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।